इंटरनेट सर्च करते बीच पहाड़ एक मीनार दिखाई दी जो हूबहू अपनी कुतुब मीनार जैसी ही थी। तो क्या दोनों मीनारों में आपस में कोई संबंध है? जहां ये मीनार है वहां चार देशों पूर्वी ईरान, मध्य एशिया, उत्तरी भारत और पाकिस्तान का संपर्क मार्ग है। वास्तव में ये स्ट्रेटेजिक वार जोन रहा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान आक्रमणों के कारण 1000 साल तक बाहरी पहुंच से कटा रहा। इसीलिए अफगानिस्तान के बाहर इस मीनार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वना हरबर्ग ने 1970 के दशक में साइट के चारों ओर सीमित सर्वेक्षण किए और राल्फ पिंडर विल्सन ने उसी दशक में साइट का अपना प्रमुख अध्ययन पूरा किया, तब मीनार दुनिया के सामने आई। मीनार का नाम है जाम की मीनार। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान जिस क्षेत्र को घुरिदों ने नियंत्रित किया था वह आज का अफगानिस्तान है। इसके साथ ही चार देशों के संपर्क मार्ग के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित करता था। ब्रिटिश पुरातत्वविद और 1970 के दशक में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ अफगान स्टडीज के निदेशक डॉक्टर राल्फ पिंडर विल्सन ने जाम और गजनी की मीनारों का एक प्रमुख अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया था कि पृथ्वीराज चौहान पर गियात उद्दीन के भाई मुइज उद्दीन की जीत का जश्न मनाने के लिए स्तंभ बनाया गया था। इसी जीत ने उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम फैलाने का काम किया। पिंडर विल्सन का मानना कि मीनार उस समय की शैली में बनाई गई थी जिसमें इस्लाम की विजयी शक्ति की घोषणा करने वाले प्रारंभिक इस्लामी विजय टावरों की परंपरा शामिल थी। कहते हैं कि उस समय 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई थी। इसके पास ही मौर्य वंश का अद्भुत लौह विजय स्तंभ बना है। हो सकता है मौर्य वंश की विजय स्तंभ परंपरा की नकल कर कुतुब मीनार बनाई गई हो। कुछ कुतुब मीनार को भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत के रूप में देखते हैं, कुछ इसका निर्माण मुअज्जिन की अजान देने के लिए मानते हैं, लेकिन इस बारे में लगभग सभी एकमत है कि यह मीनार भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की बेहतरीन स्मारक है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसके निर्माण कार्य शुरू कराया, किंतु वे केवल इसका आधार ही पूरा कर पाए थे। इनके उत्तराधिकारी अल्तमश ने इसकी 3 मंजिलें बनाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। अब इसकी लंबाई 73 मीटर है। यूनेस्को ने भारत व अफगानिस्तान की इन मीनारों को पहले ही विश्व धरोहर घोषित कर रखा है।